नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए प्रदेश में निकाली जाएगी स्वाभिमान संकल्प रैली। राजीव भवन में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ किया आरोपी को गिरफ्तार। स्कूल में खुद से पढ़ने को मजबूर बच्चे, शिक्षक कर रहे समय बर्बाद। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के नए डीएफओ ने की छापेमार कार्रवाई, अवैध सामान किया गया जब्त। जानेंगे खबरों को विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा भी प्रदेश स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत आज रायपुर के राजीव भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा शामिल हुए, जिन्होंने 21 नवंबर को होने वाले रायपुर के इंडोर स्टेडियम में स्वाभिमान संकल्प रैली के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस रैली में लगभग 25,000 से 30,000 युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। रैली के माध्यम से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। हर ब्लॉक, हर घर, हर क्षेत्र में राहुल गांधी के पदयात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ 19 तारीख को जिला स्तरीय बाइक रैली निकाली जाएगी, जो कि 21 तारीख को रायपुर चलो और भारत जोड़ो के नारों के साथ नगर भ्रमण करेगी। इस समारोह के अंत में सर्वश्रेष्ठ जिला और विधानसभा को सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत को जोड़ने का संदेश को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें 15,000 से अधिक युवा पहुंचेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ा युवा संकल्प सम्मेलन उदयन छत्तीसगढ़ कांग्रेस का होने वाला है। रायपुर में पॉश कॉलोनियों से लेकर झुग्गी बस्तियों तक नशे का सामान तस्करों के द्वारा बड़ी आसानी से पहुंचाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ गांजा ही नहीं बल्कि कोकीन, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर तक पहुँचने लगा है। वही पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों से आकर छत्तीसगढ़ में नशे का काला कारोबार करने की प्लानिंग तस्करों की देखी जा रही है। इसी के चलते नागपुर में ब्राउन शुगर लाकर उसे रायपुर में बेचने वाले आरोपी को ACCU कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से पुलिस कर्मियों ने 3 ग्राम ब्राउन शुगर, मोबाइल और 1,500 रुपए नकदी बरामद किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद यासीन बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि गांधी मैदान के पास एक मोहम्मद इलियास नाम का व्यक्ति जो है वो ब्राउन शुगर लेकर कोई ग्राहक ढूंढ रहा है। इस पर जो है थाने की टीम को रवाना किया गया था और उससे 3 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है और उससे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है कि ये ब्राउन शुगर वो कहाँ से लेकर आया था और आने वाले समय में उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। शिक्षा को विकास की सबसे अहम सीढ़ी मानी गई है, लिहाजा सरकार काफी काम कर रही है, लेकिन वहीं धर्मजयगढ़ विकास खंड के कुछ ऐसे बीहड़गांव क्षेत्र के स्कूल है जहाँ के शिक्षक अपने तरीके से स्कूल संचालित कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई को नजरअंदाज कर अपने कामों में व्यस्त हैं, जिसके चलते विद्यार्थी खुद से खेलते कूदते पढ़ाई करने को मजबूर है और उनकी शिक्षा बेहद प्रभावित हो रही है। स्कूली बच्चे व पालकों का साफ कहना है कि स्कूल से गुरुजी गायब रहते हैं, हालांकि स्वीपर के जरिए बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल जाता है, किंतु दोनों स्कूल के करीब 100 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और जब धर्मजयगढ़ विकास खंड शिक्षा अधिकारी रवि सारथी से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और यह अभी मेरी संज्ञान में आया है, इसकी तत्काल जाँच की जाएगी। बच्चे देख तो रहे हैं कैसा पढ़ रहे हैं, अपने से खुद ही स्कूल खोल करके पढ़ रहे हैं, मैसेज करते हैं, रोज नहीं आते हैं, बहुत प्रभावित हो रहा है, देखिए ना कैसा, कुछ शिक्षा नहीं है, कैसा जंगली जैसा। बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के नए डीएफओ ने एक्शन मोड में आते हुए 2 फर्नीचर मार्ट पर बड़ी कार्यवाही की। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व के डीएफओ के निर्देशन में बीजापुर बफर रेंजर विनोद तिवारी एवं उनके स्टाफ ने गुप्ता फर्नीचर मार्ट एवं सहदेव झाड़ी फर्नीचर मार्ट में छापे मारा और इस छापेमार कार्यवाही में दोनों फर्नीचर मार्ट में अवैध मशीन के साथ सागौन लकड़ी जब्त की गई। इसी के साथ टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों के कार्यवाही पर अर्ध निर्माण फर्नीचर की एक रंदा मशीन भी बरामद हुई है। फिलहाल जब्त हुए सामानों की कार्यवाही चालू है। वहां से अवैध रूप से 117 नग सागौन एवं अर्ध निर्मित फर्नीचर का सामान जब्त किया गया, जिसकी मात्रा 1.322 घन मीटर है। साथ ही एक रंदा मशीन भी जब्त किया गया और उपरोक्त सामान को जब्त करने के पश्चात रेंजर ऑफिस बीजापुर में रखा गया है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।